नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया अधिकारी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो खबर दिन भर। इसमें हम आपको बताएंगे पंजाब और हरियाणा की बड़ी खबरें। तो रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। एक दिन के हरियाणा दौरे पर पहुंचे जेपी नड्डा, शहीद मेजर अमित आहूजा के परिवार से मिले। तुगलकाबाद में रविदास मंदिर तोड़े जाने के मामले पर अशोक तंवर ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। राम रहीम की पेरोल अर्जी खारिज, पत्नी को हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। हिसार एयरपोर्ट से 3 सितंबर को उड़ेगा पहला विमान, सीएम को चंडीगढ़ लेकर जाएगा। फार्मासिस्ट ने सामूहिक अवकाश एक दिन और बढ़ाया, अवकाश से चरमराई व्यवस्था। सीबीआई बेअदबी केस की जांच फिर से करने को तैयार, पंजाब सरकार ने कहा केस लौटाओ। आपदा से निपटने के लिए पड़ा है 6500 करोड़ का फंड, पर खर्च नहीं कर सकते। तस्करों ने जेल में बनाया गिरोह, 100 करोड़ की हीरोइन बेची, 5 लोग अरेस्ट। तेज रफ्तार कार का टायर निकला, रेलिंग से टकराई कार, युवक की मौत, 3 साथी घायल। पंजाब में दर्द से छुटकारा दिलाने वाली मॉर्फिन ही ले रही है युवाओं की जान। अब खबरें विस्तार से। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा एक दिन के हरियाणा दौरे पर पहुंचे हैं और अंबाला में शहीद मेजर अमित आहूजा के परिवार से मिले। 2001 में जम्मू कश्मीर में एलओसी पर आतंकियों से मुठभेड़ में अमित शहीद हो गए थे। जेपी नड्डा अंबाला में पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रम में और शाम के समय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जन आशीर्वाद यात्रा में गुड़गांव में भी शिरकत करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। दिल्ली के तुगलकाबाद में प्रशासन द्वारा तोड़े गए रविदास मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर और पूर्व मंत्री प्रदीप जैन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि पूजा का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, ऐसे में मंदिर का पुनर्निर्माण कराने के साथ ही दोबारा मूर्ति स्थापित की जाए। गौरतलब है कि इस मामले में हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मंदिर तोड़ने से नाराज दलित समाज के लोगों ने रामलीला मैदान पर भी प्रदर्शन किया था। अब बढ़ते हैं आगे। साध्वी यौन शोषण मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम की पेरोल अर्जी अब हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दी है। इससे पहले यह अर्जी सुनारिया जेल सुप्रिंटेंडेंट खारिज कर चुके हैं। हाईकोर्ट ने आज फटकार लगाते हुए कहा कि पत्नी किस हैसियत से याचिका दाखिल कर रही है, जबकि राम रहीम ने खुद याचिका दाखिल नहीं की है। अब बढ़ते हैं आगे। हिसार एयरपोर्ट से 3 सितंबर को आधिकारिक रूप से पहला विमान उड़ने जा रहा है। एयरपोर्ट से शुभारंभ सुबह 9:30 बजे सीएम मनोहर लाल करेंगे। यहां से स्पाइस जेट का 7 सीटर विमान चंडीगढ़ के लिए पहली उड़ान भरते हुए सीएम सहित अन्य नेताओं को लेकर जाएगा। इसके साथ ही अन्य स्थानों के लिए भी फ्लाइट शुरू कर दी जाएंगी। हिसारवासियों को लंबे समय के बाद खुशखबरी मिली है, अब हिसार से दिल्ली करीब 45 मिनट में जाया जा सकता है। इसके साथ ही चंडीगढ़ और अन्य स्थानों के लिए भी इसी प्रकार की हवाई सुविधा मिलेगी। अब बढ़ते हैं आगे। हरियाणा के आंदोलनरत फार्मासिस्ट ने अपना सामूहिक अवकाश एक दिन और बढ़ा दिया है। साथ ही फार्मासिस्ट समूह अवकाश लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। फार्मासिस्ट की हड़ताल के कारण अस्पतालों की व्यवस्था चरमराई हुई है। दवा न मिलने के कारण मरीज बेहाल हैं। फार्मासिस्ट एसोसिएशन के राज्य प्रधान विनोद दलाल ने कहा कि राज्यपत्रित फार्मासिस्ट का वेतन 4,200 रुपए है, जबकि पैरामेडिकल कैटेगरी का वेतनमान 4,600 रुपए कर दिया गया है। उनकी मांग पर फार्मासिस्ट का ग्रेड पे 4,600 रुपए करने को मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। अगर वित्त आयोग का उदासीन रवैया फार्मासिस्ट वर्ग को आंदोलन पर मजबूर कर रहा है। अब बढ़ते हैं आगे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में नया मोड़ आ गया है। इस मामले में पहले क्लोजर रिपोर्ट देने वाली सीबीआई इसकी दोबारा जांच करना चाहती है। चौतरफा दबाव के बाद सीबीआई ने मोहाली स्थित सीबीआई कोर्ट में अपनी क्लोजर रिपोर्ट पर अस्थायी तौर पर रोक लगाने की मांग की है। दूसरी ओर पंजाब सरकार ने सीबीआई से जांच वापस करने को कहा है। मोहाली के कोर्ट में सीबीआई ने दलील दी है कि जो जांच पहले की गई थी उसमें कोई सबूत न मिलने के कारण 24 जुलाई को इस केस की क्लोजर रिपोर्ट दायर की गई थी। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के स्पेशल डायरेक्टर से डीजीपी ने 29 जुलाई को ऐसे कुछ नए तथ्य और सबूत मुहैया कराए हैं जिन्हें देखकर इन पहलुओं पर दोबारा जांच की जरूरत है। दूसरी ओर राज्य सरकार ने सीबीआई की इस दलील पर असहमति जताई है और सीबीआई से जांच वापस करने को कहा है। अब बढ़ते हैं आगे। पंजाब में आई बाढ़ को लेकर इन दिनों आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला जारी है। बाढ़ में कई
गांव में 10-10 फीट तक घुसे पानी के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को राहत देने के लिए सरकार के पास 6500 करोड़ रुपए का फंड पड़ा हुआ है, लेकिन इन पैसों को सरकार खर्च नहीं कर सकती क्योंकि बाढ़ में कई ऐसे नुकसान हैं जो आपदा प्रबंधन में कवर नहीं होते। केंद्र सरकार की ओर से बनाई जाने वाली कमेटी नुकसान का आकलन करेगी, इसके बाद ही इस पैसे को खर्च किया जा सकता है। कैबिनेट सचिव की ओर से की गई मीटिंग में पंजाब सरकार ने बाढ़ से 1700 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान जताया है और प्रदेश सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए गए हैं, लेकिन जब तक पानी उतर नहीं जाता और नए सिरे से सर्वे करके रिपोर्ट तैयार नहीं होती तब तक नुकसान का वास्तविक आकलन करना मुश्किल है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के केंद्र सरकार से संपर्क करने के बाद केंद्रीय टीम ने जल्द दौरा करने को हरी झंडी दे दी है। अब बढ़ते हैं आगे। नशे की सप्लाई के लिए अमृतसर और लुधियाना के 8 तस्करों ने गिरोह बना लिया है, जिसमें कारोबारी से लेकर वेटर तक सब शामिल है। उन्होंने पिछले 4 सालों में 100 करोड़ से ज्यादा का नशा बेच डाला है। पुलिस ने 2 दिन पहले पकड़े 2 तस्करों से मिली टिप के बाद 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 1.5 किलो हीरोइन, 2 क्विंटल भुक्की, 1 कार और 28,000 की ड्रग मनी बरामद की गई है, जबकि किंग पिन अमृतसर निवासी सोनू अभी तक फरार है। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पुलिस को सूचना मिली थी कि अमृतसर से आरोपी नरेश और राघव नशे की डिलीवरी देने के लिए बस में आ रहे हैं। सूचना के आधार पर उन्होंने सेक्टर 32 के नजदीक नाकाबंदी की। इस दौरान बस से उतरकर कंधे पर बैग टांगे दोनों आरोपी जाने लगे तो पुलिस ने उन्हें घेर लिया। अब बढ़ते हैं आगे। फगवाड़ा रोड पर मोदी रिजॉर्ट से कुछ ही दूर तेज रफ्तार फोर्ड एंडीवर का आगे का टायर निकलने के कारण हुए हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। वहीं गाड़ी में सवार अन्य 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृत युवक की पहचान सुल्तानपुर के गांव बेतिया निवासी नूर सिंह के रूप में हुई है और उनके अन्य 3 साथियों की हालत गंभीर बनी हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक नूर सिंह समेत 4 युवक सोमवार देर रात को हवेली रेस्टोरेंट से खाना खाकर अपनी गाड़ी में जलंधर की ओर आ रहे थे। इस दौरान किसी कारण से उनकी गाड़ी का अगला टायर निकल गया, इसके बाद गाड़ी अनियंत्रित होकर हाईवे की रेलिंग से जा टकराई। अब बढ़ते हैं आगे। पंजाब सरकार की फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पिछले 23 महीनों के दौरान लैब में 134 लोगों के विरसा की जांच की गई है, जिसमें से 75 मामले नशे के ओवरडोज से सामने आए हैं। इसमें से अधिकतर मौतें मॉर्फिन के ओवरडोज से हुई हैं। लैब के अधिकारियों के मुताबिक इस रिपोर्ट से यह भी साफ हो गया है कि राज्य में अफीम से बनाई जाने वाली दर्द निवारक दवा मॉर्फिन का अब नशे के तौर पर ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है। सूत्रों के मुताबिक इसके अलावा ये भी सामने आया है कि पंजाब में मॉर्फिन पाउडर की शक्ल में काफी महंगी 4,000 से 5,000 रुपए प्रति ग्राम बिक रही है और वहीं इंजेक्शन के रूप में ये महज 500 से 700 रुपए में उपलब्ध है। नशे के आदि लोगों को इंजेक्शन खरीदना सस्ता लगता है, लेकिन वो मॉर्फिन के इंजेक्शन और पाउडर की मात्रा में फर्क नहीं समझ पाते हैं और इसके ओवरडोज से मर जाते हैं। खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें हमारा ऐप NY000Z, जिसमें आपको मिलेंगी आपके शहर से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत।